चलिए बात करते हैं सस्पेंस की, सबसे बड़े सस्पेंस की, जो कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर बना हुआ है, जहां पर आज महाराष्ट्र में बैठकों का दौर चलेगा। उद्धव ठाकरे ने सुबह 11 बजे मातोश्री में शिवसेना के सभी नेताओं की बैठक बुलाई है, तो वहीं उधर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुंगंटीवार दोपहर 2 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल से मुलाकात के बाद दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में फंसे पेंच को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज संघ प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे। तो सस्पेंस बरकरार है महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर, लेकिन ये खींचतान कब तक जारी रहेगी, क्योंकि 9 नवंबर से पहले पहले सरकार का गठन करना होगा। लेकिन जिस तरह से मत्थापच्ची रसाकशी फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है सरकार के गठन को लेकर, उससे लगता नहीं कि ये मुश्किलें जल्द ही हल हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से 50-50 की फॉर्मूले को लेकर शिवसेना अड़ी हुई है और सरकार गठन को लेकर फिलहाल कोई भी बातचीत नहीं, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस से दूसरे रास्ते कहीं ना कहीं बातचीत की कोशिश की जा रही है, तो वहीं इसी बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को नहीं देगी। देवेंद्र फडणवीस ही 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और भरोसा यहां पर दिलाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि शिवसेना और बीजेपी की सरकार ही बनकर रहेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो पेंच फंसा हुआ है वो कहां पर जाकर खुलता है।